1 बिलियन डॉलर कितना होता है? दोस्तों 1 बिलियन डॉलर बहुत ही बड़ा रकम है और आप ना जाने क्या क्या कर पाओगे इतने पैसों से। नॉर्मली 1 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़ रुपया होने से भी आप कितना कुछ कर पाओगे। और अगर आपके पास ये 1 बिलियन डॉलर है यानी कि 1,000 मिलियन डॉलर, आप कितना कुछ कर पाओगे। 1 बिलियन डॉलर जो है इसका मतलब है 1 अरब डॉलर, और 1 अरब डॉलर जो है इसका वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 7,400 करोड़ से भी ज्यादा पैसा है। तो मान लीजिए आप कितना पैसा है, ये 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ नहीं है, पूरे 7,400 करोड़ से भी ज्यादा। तो इतने पैसों से आप क्या क्या नहीं कर पाओगे। अगर आप सिर्फ ये सारे पैसों को बैंक डिपॉजिट करके, फिक्स डिपॉजिट करके रखते हो, आपको कम से कम पर महीने 20 करोड़ से भी ज्यादा पैसे मिलेंगे इनकम टैक्स देने के बाद। तो इतना पैसों से आप सो कर भी आप उतना खर्च नहीं कर पाओगे, क्योंकि महीना में 20 करोड़ आप क्या खर्च करोगे। लेकिन आप क्या क्या चीज खरीद सकते हो ये सारे 7,000 करोड़ पैसा से, यानी कि 1 बिलियन डॉलर। आप कम से कम 6-7 हवाई जहाज खरीद सकोगे। अगर आपको पसंद है आलिशान बंगला की, तो बहुत सारे आलिशान बंगला ऑल ओवर द वर्ल्ड आप खरीद सकोगे। अगर आपको बहुत सारे लग्जरी यॉट, लग्जरी शिप्स पसंद है, वो भी आप 6-7 से ज्यादा आ जाएंगे। अगर आपको गाड़ियों की पसंद है, आप गाड़ियों भी कम से कम 200-300 लग्जरी चीज खरीद सकोगे। और बहुत चीज आप खरीद सकोगे जो आप सपने में भी नहीं सोच सकते हो। बिलियनेयर होने के लिए बहुत लक चाहिए, बहुत हार्डवर्क चाहिए। 1 बिलियन डॉलर ऐसे नहीं आते। आप मिलियनेयर तो बन जाओगे थोड़ा बहुत कष्ट करके, लेकिन 1 बिलियन डॉलर आपको इतना आसानी से नहीं मिलेंगे। और अगर आपको 1 बिलियन मिल गया, आप अपना लाइफ पूरा कंप्लीटली चेंज कर पाओगे। लाइफ पे कुछ भी टेंशन नहीं है, हमेशा आप ऐश करके रहोगे, प्रोवाइडेड आप अपने लिमिट में रहो। तो लिमिट मतलब क्या, आपके पैसा होने से खर्चा भी बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही देखने होंगे आप, मैंने जैसे आपको पहले कहा, इतने पैसे 1 बिलियन डॉलर यानी कि 7,500 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली, ये अगर आप सिर्फ फिक्स डिपोजिट करते हो, आपको 20 करोड़ से भी ज्यादा महीना इंटरेस्ट रेट मिलेंगे इनकम टैक्स देने के बाद। तो आप क्या करोगे अगर आपके पास 1 बिलियन डॉलर्स है, तब आप क्या करोगे, क्या खरीदोगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मेरा आपको इस वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और साइड में रहा बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो मैं बहुत ही जल्दी वापस आऊंगा और नए वीडियोस के साथ। तो अपना ख्याल जरूर रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।